फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये मेरा चैनल है, ये गोल्डन बुल्स के नाम से ये इसका इंटरफेस है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे डेली लर्निंग वीडियो मिलेगा। डेली एनालिसिस फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों का एनालिसिस हम डेली वीडियो डालते हैं और लाइव ट्रेडिंग भी हम करते हैं, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे हम कभी भी लाइव आए। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अगर देखेंगे तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लेकिन वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में जो आपको ये QR कोड दिख रहा है, वो आप मोबाइल से स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम फ्री में लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से यहाँ पे हम लेवल्स डालते हैं, डेली लेवल्स अपडेट देते हैं। तो कल के मैंने जो वीडियो बनाया था डेली एनालिसिस का, उसमें जो मैंने ये लेवल्स दिए थे आप चेकआउट कर सकते हैं कल का एनालिसिस वीडियो। तो लेवल्स ने हमारे परफेक्टली काम किया है। जो मैंने यहाँ पे बोला था फिन निफ्टी का, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट कहीं पे ओपन हो के अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे एक डाउनसाइड के लिए एक मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो नीचे के लिए डाउनसाइड का ये वाला टारगेट होने वाला है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तब तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये वाला मैंने लेवल मार्क किया हुआ था निफ्टी 50 का। यहाँ से जैसे ही मार्केट ने ये वाला लेवल ब्रेक डाउन किया तो ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये वाला सेकंड टारगेट था। हालांकि मार्केट यहाँ यही से घूम गया था, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। और निफ्टी बैंक का अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक का भी मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल दिया था, अगर यहाँ से नीचे निकलता है मार्केट और ये वाला जो लो है ये फर्स्ट टारगेट, मतलब ये वाला टारगेट आएगा और इसके बाद अगर निकलेगा तो ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो हम पहले निफ्टी का देख लेते एक बार, आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट क्या कर सकता है। तो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे चलता है, नीचे निकलता है तो ये वाला फर्स्ट टारगेट होने वाला है, जो कि कल का डे लो था। और इससे फर्दर नीचे अगर जाता है तो 21,280 ये हमारा टारगेट होने वाला है, फर्स्ट टारगेट। तो कल जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहले बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल है जो कल के लिए हमें इम्पोर्टेंट होने वाला है और कल हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा तो लॉन्ग जो है, लॉन्ग हमारा 48,030 के ऊपर ही बनेगा। जो भी लॉन्ग पोजीशन बनेंगे कल मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए तो 48,020 और 30 के ऊपर ही बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो एक मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। यहाँ पे सेलर जो होंगे उनके SL यहाँ पे और यहाँ पे होंगे, तो जब तक उनके SL नहीं कटेंगे तो अपर साइड का मूवमेंट आने वाला नहीं है। तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान ये रहेगा, इम्पोर्टेंट लेवल जो है 48,020 से लेके 30 का जो है, ये जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है वहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं जा सकते। और मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है तो ये वाला जो मार्केट ने, ये वाला यहाँ पे जो मार्केट ने बाउंस लिया है बार बार 47,730 का, यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलेगा तो हम पुट साइड में जा सकते हैं। तो नीचे के साइड के लेवल होने वाले 47,585, जो कि ये मैंने मार्क किया हुआ है। और आगे नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है 47,450 का, ये वाला हमारा टारगेट होने वाला है बैंक निफ्टी में नीचे की साइड के लिए। तो एनालिसिस में ज़्यादा है कुछ नहीं आज, क्योंकि ये देखिए आज मार्केट लगभग जो है, कितने तारीख से मार्केट 14 दिसंबर से जो है मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो मार्केट जब तक ये वाला स्विंग हाई नहीं निकलेगा तब तक लॉन्ग नहीं जाएंगे, और जब तक ये अगर मेजर करेक्शन जो दिख नहीं रहा है अभी तक आने वाला है
47,500 ये जो रेंज है ना मार्केट की, और ये जो डे हाई मतलब जो ऑल टाइम हाई है, ये हाई और ये इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। इसके ऊपर या नीचे निकलने से पहले हम कोई ट्रेंड नहीं डिसाइड कर सकते कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लॉन्ग के लिए बस सिंपल सा एनालिसिस से लेवल आज का सिंपल है, 48,020-30 के ऊपर लॉन्ग करेंगे। और डाउन साइड के लिए अगर मार्केट सीधा ही गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 47,720 के नीचे, हम 30 के नीचे पुट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी सिमिलर ही काइंड ऑफ एक सिचुएशन बन रहा है। ये मैंने आपको दिखाया हुआ था जो लेवल है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिखाया हुआ आपको। अगर निफ्टी में देखिए, आज ऑल टाइम हाई, अगेन एक नया वाला ऑल टाइम हाई लगा है जो कि है 21,505 का। ये मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है। और निफ्टी को भी अगर देखेंगे आप तो 18 दिसंबर से मार्केट, सॉरी निफ्टी तो ठीक है, अपसाइड थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अगर निफ्टी में भी सिंपल है, देखिए अगर ये ऑल टाइम हाई जो है मार्केट का, अगर फ्लैट ओपन होके इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है और 505 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट में हम लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी में। तो आगे के लिए हमारा टारगेट कल के लिए होने वाला है निफ्टी का 21,587 का, ये वाला हमारा टारगेट होने वाला है कल के लिए। अगर मार्केट अपर साइड ओपन हो, मतलब फ्लैट ओपन होके यहाँ पे अगर इस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता है जो कि है 41,483, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट 5, 10, 15 मिनट अगर सस्टेन करता है, फिर अगर ये कल का डे हाई मतलब आज का जो डे हाई है, जो ऑल टाइम हाई भी है आज का, ये अगर ऑल टाइम हाई निकालेगा मार्केट तो मार्केट हम लॉन्ग करेंगे टिल 21,587। ये टारगेट हमारा कल के लिए होने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कल तो 21,430 के नीचे ही हम, या 400 ही पकड़ के चलिए, 400 के नीचे, 21,400 के नीचे ही हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। ज़्यादा इसके बड़े टारगेट नहीं होने वाले, क्योंकि अगर देखेंगे आप आज भी मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास ओपन होके ही नीचे आया था, लेकिन ये वाला जो कल का डे लो था यहाँ से मार्केट ने फिर से बाउंस किया है। तो जब जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है तो तुरंत नीचे से बाइंग आ रहा है, ये देखेंगे आप। अगर वी शेप रिकवरी अभी आया है आज, तो जब भी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखेगा तो जो भी डिप आएगा तो वो बाइंग के लिए होगा। जब तक कि मार्केट जो है 21,000 इम्पोर्टेंट लेवल अगर मार्क करेंगे अपन, 360 के नीचे और या 300 के नीचे जब तक हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिलती है डेली कैंडल में, तब तक हम बेरिश साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। तब तक जो है इस रेंज में अगर कहीं पे भी मार्केट नीचे आता है तो ये जो डिप होगा वो बाइंग के लिए ही होगा। और डेली कैंडल डेली अगर देखेंगे क्लोजिंग मार्केट की, आज की निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश दिख रही है, क्योंकि मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग था आज निफ्टी का भी लगभग उसी के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है आज का, जो कि ओपनिंग है 21,480 का और जो क्लोजिंग है 21,446 का, लगभग 30 पॉइंट नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है। तो ये थोड़ा सा बुलिश मुझे दिख रहा है कल के लिए। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो और ऊपर जाने की कोशिश करें तो 21,483 के ऊपर हम मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट प्राइस कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। और ऑल टाइम हाई जो है, जो आज का लगा चुका है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम अपर साइड के लिए ये वाले टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, आपको एनालिसिस अगर अच्छा लगा, लेवल्स अगर आपको लग रहे हैं कि अच्छे, अपने स्टडी में अगर कुछ हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।